आप इसे शादी कर लिए हैं जी? हाँ जी। कितने कब शादी किए हैं? 6 तारीख को। आप दोनों शादी करने से राजी हैं? जी राजी हैं। बिफोर अभी हम आ चुके हैं समस्तीपुर जिला के किशनपुर स्टेशन पे, जो 16 तारीख या 17 तारीख के डेट से एक लड़की लापता थी, जो उसका गार्जियन जो था अपहरण केस किए हुआ था कि हमारी लड़की को लड़के वालों ने अपहरण कर लिया। जो कल्याणपुर थाना की पुलिस बहुत मेहनत के साथ, बहुत मशक्क़त के साथ आज सुबह से कल रात से पूरा हैरान हो करके और साथ ही में वारिस नगर थाना भी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वारिस नगर थाना की गाड़ी वो आगे लगी है, ये कल्याणपुर थाना की गाड़ी है, जो सुबह से राज किशोर राम जो एस आए हैं, जो बहुत मुश्किल से ये कामयाबी हासिल किया है। हम आपको लड़की को भी दिखलाएंगे और जो लड़का है उसको भी दिखाएंगे, जो इस लड़की लड़का के चक्कर में निर्दोष 3 आदमी थाना पे बेगुनाह साबित होकर के बैठे हुए हैं, जो इन्हीं का इंतजार था कि लड़की और लड़का उपस्थित होगा तब वो लोग को छोड़ेंगे। सर, इसको कहाँ आप कब से तलाश रहे हैं, इसका FIR किस तरीके का है? जी बोलिए। इस लड़की के पिता द्वारा कल्याणपुर थाना कांड संख्या 196217/6 को FIR दर्ज कराया गया, जिसमें अपहरण का केस किए थे। तभी से हम लोग लगातार छापमारी लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास रहे हैं और हम 24 घंटा से लगातार वर्दी पहन करके भूखे प्यासे हम इनको बरामद के लिए बहुत प्रयास किए और अंततः यहाँ। सर, सुनने में आया कि ये आपको कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर खजरी पंचायत में जो गाछी बिरछी है, सुबह में आप उसमें रेस लगा रहे थे अपने सारे पुलिस बल के साथ? जी पुलिस बलों के साथ एकदम रेस लगा रहे थे। पता चला कि अगल बगल छिपी हुई है, वहाँ भी हम प्रयास किए और किसी तरह गुप्त तरीके से वहाँ से निकल के भाग चुकी थी और कई जगहों पर हमने संदिग्ध स्थानों पर छापमारी किए और ये वहाँ से पहले भागते गए और हम पीछा करते गए, अंततः हमको यहाँ किशनपुर स्टेशन के नज़दीक से ही इस लड़की को सर यहाँ से थाना पे ले जाने के बाद इसको छोड़ दिया जाएगा या फिर इसका कानूनी प्रक्रिया कोई किसी तरीके का किया जाएगा? इसका कानूनी प्रक्रिया होगा, इस लड़की को 164 के तहत माननीय न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा और इसका चिकित्सीय मेडिकल भी कराया जाएगा। ये लड़की रहने वाली कहाँ की है और लड़का? ये लड़की रहने वाली चांदरपुर की है, राजकुमार पासवान की लड़की है जी। और लड़का? और लड़का है प्रतापपुर का है। ये दोनों कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है? दोनों कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है जी। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है राजकिशोर राम, SI कल्याणपुर थाना। हम आपको दिखला रहे हैं जो कल्याणपुर थाना ने जो लड़की को बरामद किया है, जो किशनपुर स्टेशन ये आप सामने देख रहे हैं, इधर मेन रोड जो समस्तीपुर को लिए जाता है और इधर वारिस नगर थाना के लिए जाता है, जो यहाँ पे कल्याणपुर थाना बहुत मेहनत के साथ ही और लड़का को अपने कब्जे में लिया है, जो हम आपसे बात करते हैं। क्या सर, आप लोग भी हैरान हुए इसमें? जी हम लोग को जब से मालूम है उस समय से परेशान है इसके पीछे जी। क्या नाम है? राम कुमार चौधरी। इसको 1 मिनट उतारा जाए, उतारा जाए। ये लड़की है जो हम इसको उतार रहे हैं गाड़ी से, ठीक है, और इनसे हम बात करेंगे क्या इनका मैटर है, जो इनके चक्कर में जो बेकसूर लोग हैं, जो 3 आदमी कस्टडी में है पुलिस की, जो लड़का को बुलाइए, यही वो लड़की है जो यहाँ किशनपुर स्टेशन से बरामद हुई है, जो गोविंदपुर खजरी पंचायत में मालूम हुआ कि है ना ये लड़की वहाँ उपस्थित है, जो कल्याणपुर थाना रात से इनकी तलाशी कर रहे हैं, जो लाख तलाशी करने के बाद भी ये नहीं मिल पाई, फिर लोकेशन मालूम हुआ कि ये किशनपुर स्टेशन पर है, जो वहाँ से तुरंत थाना की गाड़ी आए हैं, जो राज किशोर राम जी यहाँ पे SI हैं जो उपस्थित हैं। हम लड़की से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? दशोधा कुमारी जी। जोर से बोलो। दशोधा कुमारी। ये आप कब से फरार हैं? 10-15 दिन से। आप किसका मकान किराए पर लेकर के रह रही थी? जिस आप रूम में रह रही थी मालूम हम लोग को पड़ा, उस जगह पे हम लोग गए हैं तो मालूम पड़ा कि आप मकान में रह रही हैं और वो मकान मालिक को पुलिस अपनी हिरासत में लिया है, ठीक है, उसमें उनका क्या कसूर है जो पुलिस उनको हिरासत में लिया और आपने इस तरीके की बदतमीजी क्यों की जो कल दिन में आप फरार हो गए, मकान मालिक को फंसा दी? हमने फंसाया। तो कौन फंसाया आपको, वहाँ कौन लेकर के आया था?
उस मकान में आप जो रही हुई, आपको कौन लेकर के आया था? हम दोनों गए थे। दोनों गए थे, किस तरह? आप दोनों शादी कर ली हैं जी? कब शादी, कौन डेट में की? 6 तारीख के किए थे। कोर्ट मैरिज की है या किसी मंदिर पे की है? कोर्टो मैरिज की है और मंदिरों पे की है। क्या आपकी उम्र कितनी है? 20 साल जी। 20 साल 20 साल है। आपका गार्जियन इसमें आप से शादी करने से राजी है या नाराज है? नाराज है। नाराज है। ये किसी तरह का आपके मोबाइल पे फोन तुन भी आ रहा था? किस आपके गार्जियन का? हम बात किए थे जी। बात की, क्या बोली? कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोली। आपका घर कहाँ है? चांदरपुर। चांदरपुर कौन सा पंचायत पड़ता है? मुक्तापुर। थाना कौन सा पड़ता है? कल्याणपुर। पिताजी का क्या नाम है? श्री राजकुमार पासवान। आपका? यशोधा कुमारी। इनका नाम यशोधा कुमारी है, जो प्रतापपुर पंचायत की ये रहने वाली है जी। चांदरपुर की रहने वाली है, जो ये कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और आपकी ये प्रेम कहानी कब से स्टार्ट हुई थी? बहुत दिन से। कितना दिन से आपकी ये प्रेम कहानी स्टार्ट हुई थी? 4-5 साल से। 4-5 साल से अब आकर के शादी की है जी। ठीक है, धन्यवाद भाई। ठीक है, आपका क्या नाम है? पप्पू कुमार जी। पप्पू कुमार। पप्पू कुमार, आप इसे शादी कर ली है जी? हाँ जी। कब शादी की है? 6 तारीख को। आप दोनों शादी करने से राजी हैं? जी राजी। हाँ जी राजी। दोनों खुश रह रहे हैं जी? इस शादी से इतराज तो किसी को नहीं है? नहीं। बाद में आप छोड़िएगा भी? नहीं नहीं छोड़िएगा। इसके सिर्फ गार्जियन खिलाफ है, मेरे गार्जियन एक्सेप्ट करता रखने के लिए। आपका गार्जियन एक्सेप्ट कर रहा है? क्या नाम है आपका? पप्पू शाह। पप्पू शाह, आप कुमार अब शाह हो गए हैं? जी जी शाह हो गए हैं। पिता का क्या नाम है? सुरेंद्र शाह। घर कहाँ है? प्रतापपुर। कितना वार्ड में? 7 नंबर। 7 नंबर वार्ड में पड़ता है। जो ये दोनों शादी कर लिए हैं और एक दूसरे के साथ रहने के लिए मंजूर है, जो इनको किसी तरीके का दिक्कत, किसी तरीके का कोई भी कठिनाई नहीं है, आप देखते रहिए इंसाफ 24। जय हिंद। 3 घंटा दौड़े हैं, चोर खूब दौड़े हैं, प्रशासन भी है।